हेलो फ्रेंड्स, स्टार गौरव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के यूनिट 10 के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट टेन का नाम है हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन। दोस्तों, अब आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 2 या 3 महीने रह गए हैं। उनमें आप जितना अच्छा पढ़ लोगे उतने अच्छे अंक आपके आ जाएंगे। इसीलिए आप अच्छे से याद करो, भगवान आपका भला करे, आपका पढ़ाई में मन लगाए। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से याद करो, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। जितनी दम है उतनी दम लगा दो, ठीक है, जितनी दम है उतनी दम आप लगा दो, पूरी दम लगा दो। अब पढ़ाई जम कर करो, ठीक है, कोई आलस मत करो पढ़ाई में। ठीक है, पता है आलस आता है पढ़ाई में, नींद आती है, कहीं कुछ काम लग जाता है, कहीं कुछ काम लग जाता है, कहीं खेलने का मन करता है, कहीं ये करने का, कहीं वो करने का। कुछ मत करो, किसी की मत सुनो। सिर्फ अगर 2-3 महीने अच्छे पढ़ लोगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। इसीलिए आप अच्छे से याद करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। ठीक है, अब इसमें से अंक 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं बीच में प्रश्नों पर टिक लगवाता हूँ, और जिन प्रश्नों पर मैं टिक लगवाता हूँ वह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो आप मेरे टिक वाले प्रश्नों को छोड़े ना, कृपया करके उनको अच्छे से याद करें। पहले आप टिक वालों को याद करें, उसके बाद आपकी मर्जी, जौन सी मर्जी, जिस किसी भी प्रश्न को, कौन सा भी प्रश्न आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एल्कोहल द्वारा आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र एवं रासायनिक समीकरण लिख लिए। यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न 2020 के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनना है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किनीकरण। यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए, DT BSC फिटिंग अप क्रिया, वोल्ट फिटिंग अप क्रिया। यह प्रश्न भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको DDT और BSC ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको आप अच्छे से याद या समझ लीजिए या अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, फ्रियोन क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए, इसको भी आप याद कर सकते हो। पाँचवा प्रश्न है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखो। यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लें। और दोस्तों, अगर आपको रिएक्ट देखो, एक तो आता है इसमें विधि आएगी, कोई कौन सी भी आ सकती है, और रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, तो विधि आपको मैंने आपको बता दी, आयोडोफॉर्म वाली याद कर लेना, और आपको रिएक्शन में, अगर आपको रिएक्शंस आपको ऐसा लगता है कि मैं रिएक्शन मेरे को नहीं आती हैं, तो देखो आप क्लोरोफॉर्म से जितनी भी रिएक्शन है, आप रिएक्शन ज़्यादा याद नहीं करना चाहते हो, और तो आप क्लोरोफॉर्म से जितनी भी रिएक्शन है उनको याद कर लो, आपका प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा, इसमें से 4 नंबर का फंस जाएगा। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म से हर साल अभिक्रियाँ आती हैं, तो आप क्लोरोफॉर्म से जितनी भी अभिक्रियाँ हैं उनको आप याद कर लें। क्लोरोफॉर्म से इसमें 6-7 अभिक्रियाँ, उनको आप रट लें अच्छे से। जैसे पहला है कार्बोनिल क्लोराइड, इसको फास्जीन भी कहते हैं। दूसरा है एस्टिलीन या बेहेलोजरीन कर्व हो जाता है इसमें। ठीक है, तीसरा है क्लोरोफिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। चौथा है क्लोरीटोन। पाँचवा है फॉर्मिक अम्ल। छठवा है फेनोलाइसोसाइनाइड या कार्बोलैमिन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। रिमेंटेमन अभिक्रिया, सैलिसिलाल्डिहाइड। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, हुंसडीगर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। इन पर आप अच्छे से टिप्पणी लिखिए, यह प्रश्न भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है जबकि, देखो
नंबर एक, मैथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एथिल ब्रोमाइड सोडियम इथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। तीसरा पॉइंट है एथिल क्लोराइड जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। चौथा प्रश्न है एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड विलयन से क्रिया करता है। दोस्तों जब आप मैंने जो आपको ऊपर रिएक्शंस बताई हैं उनको आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप इन सभी को कर सकते हो, क्योंकि जो हेडिंग बनी है वो उन्हीं रिएक्शनों में से बनी है, ठीक है। जब आप उन रिएक्शंस को याद करोगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इसमें एथिल क्लोराइड सिल्वर नाइट्राइड विलयन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ क्रिया तो क्या बनता है, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिख दिए हैं, बाई चांस ऐसे लिख कर आ गए तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।